Hello, my dear students. Welcome to our YouTube channel, wifistudy JEE, a part of Unacademy. कैसे हैं आप सब लोग? आज के इस अमेजिंग सेशन के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आज के दिन 16 अक्टूबर को हिस्ट्री में क्या रहा था. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को लेकर जाया जाता है और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना होता है, तो ऑपरेशन के लिए उसको बेहोश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बिना वो ऑपरेशन कम्प्लीट सक्सेसफुली नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो उसमें कॉपरेट भी नहीं कर पाता है. इसीलिए एनेस्थेटिक उसमें काम में लिए जाते हैं. आपने सुना होगा कि एनेस्थेसिया डॉक्टर्स भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बेहोश करने के लिए पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में होते हैं. तो क्या हुआ था उसकी बात करते हैं. बेहोश करने के लिए एनेस्थेसिया काम में लिया जाता है. एनेस्थेसिया दो तरह का होता है, एक लोकल एनेस्थेसिया होता है, एक फुल बॉडी एनेस्थेसिया होता है. लोकल में जैसे मान लीजिए आपके किसी एक पार्ट में कुछ ऑपरेशन करना था, सिर्फ उसी पार्ट को सुन कर दिया जाता है एनेस्थेसिया से. और एक होता है पूरी बॉडी में एनेस्थेसिया दे दिया जाता है, पूरा बेहोश कर दिया जाता है. ठीक है, तो ईथर को जो है आज के दिन 16 अक्टूबर 1846 को आज के दिन एनेस्थेसिया के रूप में आज ही डेमोंस्ट्रेशन के लिए काम में लिया गया था. कैसे काम में लिया गया था वो बात बताते हैं. ये जो होता है ईथर, ये अनकॉन्शियसनेस लेके आ जाता है बॉडी के अंदर, अनकॉन्शियसनेस लेके आ जाता है. इसीलिए अमेरिकन डेंटिस्ट थे विलियम टी मॉर्टन. कौन? विलियम टी जी मॉर्टन. और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जब एक मर्चेंट का, बोस्टन मर्चेंट का, वो एक टूथ बाहर निकाल रहे थे. टूथ को बाहर निकालने के लिए उन्हें जब वहाँ पे एनेस्थेसिया यूज करना था, तो उन्होंने ईथर को काम में लिया था. तो ईथर इज आल्सो यूज्ड एज एनेस्थेटिक अक्रॉस द वर्ल्ड. तो आज की हिस्ट्री में इतना ही है, और उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी. तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. और आपको लगता है कि ईथर जो है एनेस्थेसिया में काम में लिया जाता है, ये औरों को नहीं पता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.